Good morning, everyone. So today is our second class of PGPP. In the very first class, I had told you how to calculate taxable income from the accounting profit. अपन को accounts वाला profit दे देगा और बोलेगा taxable income निकालो. तो काफी सारा income PL में ऐसा होता है जो business income नहीं होता, तो उसको less करके हटाएंगे. जो income business income नहीं है, उससे related expenditure भी PL में debited होता है, तो उसको अपन add back करेंगे. काफी सारा खर्चा बिजनेस रिलेटेड होता है बट वो डिसअलाउड होता है, तो उसको ऐड बैक करेंगे. अलग से जो अलाउएबल होगा उसको लेस करेंगे, हमारा टैक्सेबल इनकम आ जाएगा. काफी सारा डिसअलाउड आइटम्स है. मैंने बोला कि अगर आप किसी भी रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट करते हैं तो दैट एक्सेस पार्ट इज डिसअलाउड. कोई भी एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा अगर आप कैश में करेंगे तो वो डिसअलाउड होता है. पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड होता है. सैलरी इंटरेस्ट टू ओन सेल्फ प्रोप्राइटर डिसअलाउड. Any kind of provision disallowed, right? कुछ कुछ खर्चा मैंने बोला कि cash basis पे ही allow होगा. Usually expense if not paid allowable होता है, but कुछ कुछ खर्चा cash basis पे ही allow होगा. मतलब it can only be allowed only if it is paid. Cash में तो payment करना ही नहीं है खर्चा 10,000 के ऊपर वाला, वो तो automatically फिर disallow हो जाएगा. जैसे मैंने किसी को सैलरी दिया, राइट? तो वो अक्रूअल बेसिस पे. अक्रूअल और कैश का मतलब क्या है? अक्रूअल मतलब आउटस्टैंडिंग, कैश मतलब अगर पेड होगा तो ही अलाउ होगा. पेड इन कैश रहा तो वैसे ही डिसअलाउ हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हां, समझ में आ रहा ना? अक्रूअल और कैश बेसिस का बात हो रहा है यहाँ पे. पेड इन कैश, पेड थ्रू बैंक, उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे. वो सेक्शन 48(3) में होता है. 10,000 के नीचे आप कैश में दे सकते हैं, 10,000 के ऊपर आपको अकाउंट पे ही चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वैसे ही करना पड़ेगा. यहां पे मैं बात दूसरा कर रहा हूं. देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस, उसमें से कुछ कुछ खर्चा ऐसा है दैट इज ओनली अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. पे होगा तभी अलाउड है, अदरवाइज डिसअलाउड. अनपेड अलाउड नहीं होता. ये सब कौन कौन सा आइटम होता है? सेक्शन 43(b) बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो. फर्स्ट क्लास जो मैंने चार्ट दिया था आप लोगों को, राइट? तो सेक्शन 43(b) इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? Following sums are allowed only in that previous year if such sum is actually paid. Allowed only if paid. ये सब items. कौन कौन सा? Tax. कौन सा tax के बारे में बात हो रहा है? Indirect tax. क्योंकि डायरेक्ट टैक्स ऐसे ही डिसअलाउड होता है. इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ऐसे ही डिसअलाउड है. टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड. एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. मालिक भी कंट्रीब्यूट करता है ना प्रोविडेंट फंड में. एम्प्लॉय के लिए वो बेनिफिट है, उसका सैलरी इनकम, बट मेरे लिए तो खर्चा है. तो बोला प्रोविडेंट फंड का खर्चा तभी अलाउड होगा जब आप पे कर देंगे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में. सुपर एनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, बोनस, कमीशन, ये सब खर्चा ऐसा है ये तभी अलाउ होगा जब पे हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है? लीव सैलरी, पहला बात इनकर्ड होना चाहिए इस साल. हाँ, और पेमेंट कब तक होना चाहिए? ऑन और बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट.
section 43B. Following items are allowed only if paid on or before return filing date. Tax duty, cessor fee, provident fund, superannuation fund, gratuity fund, bonus, commission, leave salary, interest on loan. Superannuation fund, gratuity fund. ठीक है ना? If interest on loan is unpaid for the year 22-23, ठीक है? Interest is paid on November 1, 2023. Discuss tax treatment. है ना? ठीक है, टैक्स ड्यूटी, सेसर फी, बोनस, कमीशन, लीव सैलरी, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट. अलाउड, मैं बार बार लिख रहा हूं, अलग अलग कलर का पेन से. ठीक है ना? हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या होगा? अच्छा, प्रीवियस ईयर का ये 22-23 का खर्चा है. फॉर अलाउंस it must have been paid by July 31. Therefore,
It is disallowed as not paid before RFD. पहले तो चेक करेंगे ये 43B का आइटम है कि नहीं. सर 43B सेक्शन का आइटम है ये. ठीक है, अब बात होगा अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर अर्लियर ईयर्स है ना. अभी डिसअलाउ हो गया, अगला साल तो पेमेंट हो गया. समझ रहा है ना. हाँ नेक्स्ट ईयर अलाउ हो जाएगा. लेकिन ये जो खर्चा वो तो पिछले साल का है. हाँ ठीक है, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का है तो पिछले साल ये डिसअलाउ हो गया, लेकिन आप तो पेमेंट कर दे तो इस साल अलाउ कर देंगे ना. एडवांस में बुकिंग नहीं चलेगा. पुराना खर्चा का अभी देंगे तो पेमेंट बेसिस पे अलाउ हो जाएगा, आने वाला खर्चा का पेमेंट अभी कर देंगे वो नॉट अलाउड होगा. वो तो खर्चा ही नहीं है ना पहला बात तो. समझ गया, मतलब अभी मैं अगर 24-25 का इंटरेस्ट पेमेंट कर दूं तो वो डिसअलाउ हो जाएगा. 23-24 में 22-23 का इंटरेस्ट पेमेंट किया अलाउड हो गया, तो 23-24 में 23-24 का इंटरेस्ट भी अलाउ होगा अगर पेमेंट कर दिया तो, प्लस 22-23 का भी अलाउ होगा. लेकिन 23-24 में अगर मैं 24-25 का दे दूं एडवांस में, नो एडवांस इज नॉट कवर्ड. नोट एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड इन सेक्शन 43B. डिसअलाउड होगा ये. ठीक है बोलो. बड़े आ गया. नहीं किया क्या. बड़े आगे. ये क्या है.
एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव इज डिसअलाउड, मालूम है ना, है ना? एग्जाम्पल वन, परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम रिलेटिव फॉर रुपीज 1 लाख, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 60,000, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(2). कितना डिसअलाउ होगा? हाँ, नील, मशीनरी है ना, मशीनरी तो एसेट हो गया, कल ही तो बता दिया था, ये पीएल में आता ही नहीं है, तो डिसअलाउ का बात क्यों कर रहे हो? पेड सैलरी टू रिलेटिव 70,000, फेयर मार्केट 45,000, हाँ, डिसअलाउड अंडर सेक्शन कितना, 25,000 डिसअलाउ होगा, बोलो। पूरा डिसअलाउ होगा, समझ में आ रहा है तुम्हारा बात? लेकिन पहले हम लोग 48(2) लगाएंगे, डायरेक्टली 48(3) नहीं लगेगा, पहले 48(3) में कितना एक्सेस पेमेंट कितना है, 35, बचा कितना, बचा 55 ना, तो 55 10 के ऊपर है, तो पूरा 55 डिसअलाउड, ऐसे करना पड़ेगा, प्रायोरिटी पहले 48(2) को दिया जाएगा, पहले क्या करेंगे? कितना? 19, बचा हुआ कितना है? हाँ, 10 भी होता तो भी 0 होता, अप टू 10, समझ गया ना? अगर सीधा कोई ये देख लेगा तो पूरा 28,000 डिसअलाउ कर देगा, ये गलत है, पहले ये देखेंगे उसके बाद देखेंगे 10,000 से ज्यादा है कि नहीं,
ठीक है। एक्सीडिंग 10 वाला है ना ये तो एक्सीडिंग 10 वाला है। इसका एक्सेप्शन है कुछ कुछ, फॉलोइंग केसेस पेमेंट एक्सीडिंग 10K, अलाउड इवन इफ ऑन कैश बेसिस। कुछ कुछ केस में अलाउड होगा, पेमेंट मेड ऑन डेज बैंक इज क्लोज्ड, पेमेंट मेड टू आरबीआई गवर्नमेंट। इन लोगों को आप जो भी पैसा देंगे, काला पैसा तो दे नहीं पाएंगे। पेमेंट कल्टीवेटर्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेट्यूटी रिट्रेंचमेंट नॉट एक्सीडिंग 50। मतलब 50,000 तक मैं ग्रेच्युटी भी दे सकता हूं कैश में। और भी बहुत है, उतना जान के फायदा नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग जो होमवर्क था उसको करने के लायक हो गए हैं थोड़ा। ठीक है, आइए। जस्ट वी विल गो थ्रू दिस वंस। एक्स फर्निशेस यू द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हिज बिजनेस अंडर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसमें सब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग देखना ही नहीं अपन को। अच्छा, इनकम टैक्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा नोट्स दे देता हूं अभी। और इनकम टैक्सेस
सबको मालूम है हाँ? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स लगता है पेनल्टी ऑन इनकम टैक्स लगता है इज ऑल्सो डिसअलाउड ठीक है इनकम टैक्स रिफंड इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल सिंस इनकम टैक्स इज डिसअलाउड हाँ अगर एक्सपेंस तुम अलाउ नहीं करोगे तो रिफंड टैक्सेबल कैसे कर सकते हो मैं जो दिया वो एक्सपेंस नहीं है तो तुम जो वापस कर रहे हो मेरा दिया हुआ वो इनकम कैसे हो सकता है क्लियर हाउएवर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इनकम टैक्स रिफंड इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा बट पीजीपीपी में नहीं होगा इज टैक्सेबल अंडर IFOS बट नॉट अंडर द हेड PGBP बट नॉट अंडर द हेड PGBP फाइलिंग फीस पेड टू टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर फाइलिंग फीस पेड टू इज अलाउड इनकम टैक्स का रिटर्न के लिए जो फाइलिंग फीस देते हैं ना वो अलाउड है वो इनकम टैक्स थोड़ी है वो तो रिटर्न भरने का आज मैं तुम्हारा ITR लगाऊंगा तुम मेरे को 2500 रुपए दे तुम बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो उसको तो इनकम टैक्स से रिलेटेड ये एक्सपेंस के बारे में बात हुआ ये एक्सपेंस के बारे में बात हुआ ये इनकम के बारे में बात हुआ ये इनकम के बारे में बात हुआ और ये एक्सपेंस के बारे में बात हुआ ये वाला वैसे ही पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ है कोई कानून को तोड़ेंगे तभी ना पेनल्टी लगेगा
अब इसमें मैं तुमको एक बात बताता हूँ, कई बार लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स बाकी है तो इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए बैंक से लोन ले लिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन सोचता सरकार बेवकूफ है। अगर इनकम टैक्स पेंडिंग है, 3 महीना बाद दिया तो इंटरेस्ट डायरेक्टली सरकार को देना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स डिस अलाउड, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स इज ऑल्सो डिस अलाउड। तो हम बुद्धि लगाया, कहीं से लोन ले लेते हैं, लोन लेके इनकम टैक्स पेमेंट कर देते हैं, तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी हट गया, बुक्स में लोन लाइबिलिटी आ गया, बुक्स में क्या आ गया, लोन लाइबिलिटी आ गया। अब वो लोन पे मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं तो वो अलाउड होगा कि डिसअलाउड, कैसे अलाउड होगा, लोन का इंटरेस्ट अलाउड होता है पेमेंट बेसिस पे, अभी मैंने बताया। इस केस में क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुमने लोन यूटिलाइज किस लिए किया, इनकम टैक्स पेमेंट के लिए ना, तो इनडायरेक्टली वो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं रहा। कैश फ्लो से पता चल जाएगा ना, कैश फ्लो से पता चलेगा, तुम्हारे बैंक में पैसा आया लोन, और उसी समय से तुम इनकम टैक्स पेमेंट कर दिए, तो इस पैसे से तुमने क्या किया, लोन चुकाया ना, इनकम टैक्स पेमेंट किया, ये प्रूव हो जाएगा, ऐसा बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है ये। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज डिसअलाउड। Indirectly, this is interest on income tax. तो ये खर्चा भी disallowed होगा। दो तीन मिनट के लिए बंद कर दे, स्विच स्विच है। ट्रेडिंग ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। सैलरी ओके, अलाउड, अलाउड इज इग्नोर्ड, दिस ऑल्सो ओके। जो एट टाइम अलाउड और पीएल में है उसका कुछ नहीं करते हैं। हाँ, क्रेडिट साइड में बाद में आएंगे। ओके इफ पेड बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट, ये तीनों इनडायरेक्ट, प्रोविडेंट फंड भी है उसमें, जीएसटी है, प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों 43B का आइटम है, 43B आइटम। ये डिसअलाउड, ये भी डिसअलाउड, ओके। ये हाँ, तो इसको तो डिसअलाउ करना है ना, ये भी 43B का आइटम है, इंटरेस्ट तो 43B होता है ना, ओनली अलाउड इफ पेड। तो ये वाला भी इधर जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट
डन, पूरा लिस्ट आ गया ना, नेट प्रॉफिट दिया हुआ नीचे। ये वाला इनकम में डिसअलाउड, इनकम में नॉट टैक्सेबल या टैक्सेबल? ये टैक्सेबल नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्सेबल है, बट कौन से हेड में, समझ गया? तो ये भी नेट प्रॉफिट से हटाएंगे, ये भी हटाएंगे, दोनों ही तो हटेगा ना, राइट? ये टैक्सेबल नहीं है बोल के हटेगा, ये अदर सोर्स पीजीबीपी में नहीं है इसलिए हटेगा, ये कैपिटल गेन में जाता है, दिस इज ओके। बैड डेप्ट रिकवरी ओके है, बिजनेस इनकम है, पुराने सालों में बैड था तो एक्सपेंस दिखाया, आज मिल गया तो रिकवरी इनकम दिखा दो। ठीक है, नो एडजस्टमेंट है, ये वाला तो एज पर आईटी रूल्स लेस हो जाएगा। हाँ, 80,000 अकाउंट पे चेक से दिया ठीक है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा सेक्शन 48(2) कितना 50,000, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, वेरी गुड, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत बढ़िया। बैंक ओडी का पेमेंट नहीं हुआ तो ये सब उस ऊपर वाला पीएल में है, देखा ना, बार बार इंक्लूड्स इंक्लूड्स बोल रहा है, इंक्लूड्स, समझ गया, पीएल में ये सब है, अपन को लेना है कि नहीं वो देखना है। डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B 10,000, ठीक है, 7, 8, 9 बाद में देखते हैं, ऊपर आते हैं अब, ठीक है, परचेज इंक्लूड्स इंक्लूड, समझ गया ना, ऊपर में है, अगर अलाउड है तो कुछ नहीं करना, डिसअलाउड है तो एड बैक। परचेज में 1,00,000 का ऐसा है जो बियरर चेक से खरीदा है, बियरर चेक मतलब कैश, 10,000 के ऊपर क्या होगा, गुड्स बोला है भाई, परचेज इंक्लूड्स कहां, फिक्स्ड एसेट कहां बोला है, परचेज ऑफ व्हाट, ये क्या चीज का परचेज किया तुमने, गुड्स का किया है ना भाई, क्या ट्रेडिंग पे लेके बात है, ये तो परचेज ऑफ गुड्स है, बोला है क्या परचेज ऑफ एसेट है, मशीनरी लिखा है क्या, परचेज में एक ऐसा परचेज है जिसका पेमेंट हमने बेयरर चेक से किया है, मतलब कैश में किया है, अकाउंट पे चेक होना चाहिए, बेयरर चेक इज ऑलमोस्ट कैश, कोई भी काउंटर पे जाएगा उसको पैसा मिल जाएगा, ये सब सरकार ब्लैक मनी को रोकने के लिए की है। आज मैं तुमको कच्चे में पैसा दे दूं तो तुम तो कच्चे में पैसा ले लिया, ना ही तुम उस पर टैक्स दिया, और हमको मालूम भी नहीं तुमने किसको किससे खरीदा है, अकाउंट पे ही होगा तो उसके अकाउंट में पैसा गया है, उसको बताना पड़ेगा ये पैसा किस चीज का आया है, मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा आएगा तो मेरे को तो बताना पड़ेगा ना, भैया आपके अकाउंट में इस चीज का पैसा आया है, ये तो लास्ट क्लास सेम था,
एक लाख का परचेस कैश में किया है, बोला है क्या परचेस में इंक्लूड वन परचेस, परचेस बहुत है, परचेस कितने का है 40 लाख का परचेस है, अलग अलग आदमी से किया है, उसमें से एक परचेस ऐसा है जो कैश में किया है, तो ये डिसअलाउ होगा, हाँ या ना? सेक्शन इज इट ओके? वापस एक लाख का परचेज किया लेकिन अब की बार कल्टीवेटर को दिया है, समझ गया ना? तो ये वाला ओके है, जो ओके है उसका कुछ नहीं करेंगे, इग्नोर, क्योंकि पीएल में ऑलरेडी माइनस किया हुआ है ये। जीएसटी में 10,000 का पेमेंट नहीं हुआ है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स 43B आइटम है ना ये, तो क्या होगा अंडर सेक्शन 43B? हाँ, पुराना साल का जीएसटी मैं अभी दिया हूं तो ये अलाउड होगा, हाँ या ना? अलाउड होगा कि नहीं होगा? ये अलाउड होगा ना? क्या ये पीएल में है? सर पुराना साल का है बोल के पीएल में नहीं है तो इसको अलग से मैं लेस करूंगा, जैसे डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल कर रहा हूं वैसे इसको भी अलग से लेस करूंगा। पहले बताओ ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड है ना, अभी एग्जांपल दिखाया था। क्या ये पीएल में डेबिटेड है तो अलग से लेस करूंगा ना, डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल क्या पीएल में डेबिटेड है तो अलग से लेस कर रहे हैं ना। पिछले साल का था तो पिछले साल ये क्या हुआ, डिसअलाउड? इस साल पे किया, अलाउड होगा पहला बात। अब क्या ये पीएल में है? क्यों नहीं है? क्योंकि है ये पिछले साल का, पिछले साल का खर्चा इस साल का पीएल में कैसे होगा? बट एज पर इनकम टैक्स ये अलाउड है, एज पर इनकम टैक्स ये सैलरी है, ये कौन से साल का सैलरी है? करंट ईयर, अलाउड अक्रूअल बेसिस पे। ये इलेक्ट्रिसिटी कौन से साल का है? अलाउड। ये चैरिटी करंट ईयर, डिसअलाउड। ये सारा खर्चा करंट ईयर का है, ये जीएसटी करंट ईयर। क्या इसमें प्रीवियस ईयर का खर्चा है? कुछ कुछ केस में प्रीवियस ईयर का खर्चा करंट ईयर में अलाउ होगा अगर इस साल पे हुआ है तो। तो अलाउड मतलब इस साल में अलाउ होगा ना, क्वेश्चन में बोला पे हो गया वाला अलाउड। अब क्या वो यहां है? अलग से लेस करना पड़ेगा ना, जैसे डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल अलग से लेस करे वैसे इसको भी अलग से लेस करेंगे। अलाउड और पीएल में डेबिटेड है तो इग्नोर, अलाउड पीएल में डेबिटेड नहीं है तो अलग से लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इतना करेंगे फिर ये इसको अलग से बाद में करेंगे। ठीक है, आइए, नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 6 लाख, वेरी गुड।
नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स कितना? आइटम्स डेबिटेड टू पीएल जो डिसअलाउड है, चला ऐसे चला। इज इट फाइन? चैरिटी एंड डोनेशन, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेनल्टी, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये वो सब है जो पीएल में था, डिसअलाउड होगा। चैरिटी डोनेशन 50, इनकम टैक्स 20, पेनल्टी 5, बुलाना बोल लिख नहीं पा रहे थे। जस्ट फ्यू मिनट्स, टेक्निकल हिंड्रेंस।
Okay. So now, चैरिटी डोनेशन 50,000 है, इनकम टैक्स 20,000 है ना, इनकम टैक्स पेनल्टी 5,000, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स 71,000 डिसअलाउड, राइट। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल 25, प्रोविजन 37। ठीक है, और भी काफी सारा डिसअलाउड है नीचे एडजस्टमेंट में, हम लोग को मालूम है। जैसे डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3, 1 लाख का बेरर चेक वाला, उसके बाद था जीएसटी, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B, है ना, LIC प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर पर्सनल एक्सपेंस 10। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस LIC, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 48(2) एक्सेस पेमेंट 50,000, है ना, ये वाला डिसअलाउड हो गया, राइट। नंबर टू वाला डिसअलाउड भी हो गया, टू का सेकेंड पार्ट अलग से लेस करेंगे और थ्री अलग से लेस होगा। एक्सेस पेमेंट 50,000 डिसअलाउड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक और ये भी डिसअलाउड होगा, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B,
ठीक है। परचेज वाला हो गया, डिसअलाउड ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ओके है, कल्टीवेटर वाला ओके है, ठीक है, डन। इज इट फाइन एवरीवन? आई गेस देयर इज नो सच प्रॉब्लम। अब कुछ कुछ इनकम, एक थोड़ा सा लाइन छोड़ दो बीच में, हो सकता है और कोई आइटम आ जाए। लेस इनकम नॉट टैक्सेबल ऑब्लिक टैक्सेबल अंडर अदर हेड। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड तो टैक्सेबल ही नहीं है, 30,000 हटा देंगे। इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड ये आईएफओएस में टैक्सेबल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल, इसका फिगर देखना पड़ेगा मेरे को। इसका 10,000 है, इसका 31, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ो। लेस आइटम्स अलाउएबल नॉट डेबिटेड टू पीएल, इसलिए तो अलग से लेस कर रहे हैं, समझ गया। हाँ, इसमें एक तो हमारा डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स है, जीएसटी पेड ऑफ अर्लियर ईयर्स कितना, तो ये पूरा डिसअलाउड का लिस्ट हो गया, ये जो टैक्सेबल नहीं है और ये जो अलग से अलाउएबल है। अब तीन एडजस्टमेंट बच गया हमारा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट नंबर 7, तो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में गलती है, ये एरर है, ये एरर है। तो अकाउंट्स में भी ठीक करते हैं अपन, दिस इज सिंपली एन एरर। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, तो ओपनिंग स्टॉक जो दिखाया वो 120% है,
उसको 100 में लाएंगे तो 20% से चेंज कर रहे हैं ना, तो ओपनिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट बढ़ता है। क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये पीएल का डेबिट आइटम है और ये पीएल का क्रेडिट आइटम है ट्रेडिंग का। इसको घटाना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और इन दोनों को बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, आया ना? ठीक है, तो बेसिकली दोनों ही प्लस हो रहा है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। एड ओवर ट्वेंटी बाई 120 होगा, बिकॉज दिस इज नाउ 120, 20 कम करना है, 100 से 20 कम नहीं बोला, ओवर वैल्यूड है ऑलरेडी, मतलब 120 पे है, उसको 20 कम करना है, कितना आएगा? अगेन ऐड, अरे यार, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? फाइव लाख। अंडर वैल्यू मतलब दिस इज एट 75, हमको 25 बढ़ाना है, ओपनिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट बढ़ता है और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, दोनों ही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पुराने सालों में 50,000 का बैड डेट था,
ठीक है, उसमें से उस साल में 38,000 ही अलाउ हुआ था पुराने साल में। रिकवरी तो बैड डेप्ट का ही होता है ना, रिकवरी किसका होता है? बैड डेप्ट का। एसी चला, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट रिकवरी। ठीक अर्लियर ईयर में हमारा बैड डेट दिखाया हुआ है 50,000 का। अलाउड हुआ था 38, डिस अलाउड हुआ था 12। तो जो रिकवरी हुआ है वो तो इसी पार्ट का हुआ है ना, इसी में से कितना रिकवरी हुआ है? 30,000। तो रिकवरी पहले किसका मानेंगे, अलाउड वाले पोर्शन का कि डिसअलाउड वाले पोर्शन का? पहले इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसको सेकंड प्रेफरेंस। तो ये वाला पोर्शन का पहले रिकवरी हुआ है, बाकी का रिकवरी इस पोर्शन का हुआ है, तो टैक्सेबल अब वही वाला पोर्शन होगा ना जो पहले अलाउड था। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जिस अलाउड है तो उसका रिफंड नॉट टैक्सेबल, उसी प्रकार अगर बैड डेट डिस अलाउड है उसका रिकवरी नॉट टैक्सेबल, अगर बैड डेट अलाउड था तो उसका रिकवरी भी टैक्सेबल। तो जब भी रिकवरी होगा, इनकम होगा, चेक इट रिलेट्स टू अलाउड पोर्शन और डिसअलाउड पोर्शन, तो पहले डिसअलाउड पोर्शन में डालेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो अलाउड पोर्शन का माना जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं, आई कैन मेक वन फॉर्मूला, टैक्सेबल बैड डेट रिकवरी इज इक्वल्स टू अमाउंट रिकवर्ड माइनस डिसअलाउड अर्लियर। तो अभी रिकवरी कितना हुआ है? 30,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक। थर्टी थाउजेंड, तो 30,000 रिकवरी में 12,000 पहले डिसअलाउड था, तो टैक्सेबल 18 ही होगा। तो पीएल में क्रेडिटेड 30 है, तो 12 नॉन टैक्सेबल, उसको हटा देंगे, टैक्सेबल वाला पार्ट ही रहेगा यहां। अभी भी 20 रिकवरी नहीं हुआ, जो रिकवरी नहीं हुआ उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जितना रिकवरी हुआ फर्स्ट इट विल रिलेट टू डिसअलाउड पोर्शन, बाकी का इट विल रिलेट, तो अल्टीमेटली टैक्सेबल अमाउंट आ गया। लेकिन तुमने पीएल में कितना दिखा रखा है अकाउंट्स में? 30, लेकिन इसमें से टैक्सेबल कितना है? पार्ट अमाउंट इज टैक्सेबल, तो द वन विच इज नॉट टैक्सेबल उसको लेस करके हटा देंगे। सो टैक्सेबल पोर्शन इज 18, हाँ है ना? तो यहां पर
बैड डेट रिकवरी नॉन टैक्सेबल पोर्शन 12,000, नॉन टैक्सेबल पोर्शन 12,000, ठीक है। लास्ट एक आदमी गुड्स विड्रॉ किया प्रोपराइटर, लेकिन उसका कॉस्ट 15,000 है, तो ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? या तो परचेस से लेस करते हैं अपने गुड्स, गुड्स विड्रॉन का ट्रीटमेंट क्या होता है? परचेस से लेस भी कर सकते हो, सेल्स में ऐड भी कर सकते हो, लेकिन क्या प्राइस पे होना चाहिए? लेकिन तुमने क्या किया, सेल में 20,000 दिखा दिया, मतलब तुम ये दिखा रहे हो तुम अपने आप को प्रॉफिट में बेच रहे हो। कैन यू डू बिजनेस विथ योर सेल्फ? सो दिस 5,000 प्रॉफिट has to be removed. It is resembling what? Goods have 15 ka. How much you are including? Matlab aap 20 mein dikha rahe ho. Can you do profit with yourself? Less. Profit on पर्सनल ड्रॉइंग्स, दैट्स इट। मैं फिर भी चेक कर लेता हूं सब हो गया है कि नहीं। ओके चैरिटी वाला हो गया, इधर दे दोनों हो गया, डिसअलाउड 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 उधर हो गया, वो हो गया, फिर में ये हो गया, ये उधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ना अपने आप से तुम अपने आप में 20,000 का माल ले गया और उसका कॉस्ट तो 15 ही है, तो 5,000 का प्रॉफिट इंक्लूड हो गया ना, तो उसको हटाओगे ना? हाउ कैन यू डू प्रॉफिट विथ योर सेल्फ? तो पहले सारा डिसअलाउड का टोटल करो, थ्री नाइनटी एट आ रहा है, देखो। ठीक है, 388 आ गया प्लस, ठीक है, तो 6,00,000 में 388 प्लस होगा। अब ये सारा लेस को पहले ऐड करो, 51, 58 ना, हाँ
पहले 6 लाख में 3,88,000 जोड़ो, 9,88,000, 9,88,000 में 58 माइनस करो, 9,30,000, 1,3,3,4,5. यहां तक 988 था, फिर ये आएगा 9,30,000, फिर ये आएगा कितना 8, एट सेवेंटी फाइव, और इन दोनों को प्लस कर दो। बोल भाई, वन वन जीरो एट थ्री थ्री फोर, वो ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, हाँ, तो दिस इज व्हाट वी हैव। अब हम लोग इसका आगे क्या क्या सीखेंगे ये समझो। आने वाले क्लासेस में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ये निकालना, ये जो अपन बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन इतना होना चाहिए, ये वाला पोर्शन अपन सीखेंगे। दिस पोर्शन वी विल हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, तो इससे रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन 32। ठीक है, तो इसको करने में पूरा हम लोग को एक क्लास लगेगा। तो फुल फ्लेज्ड सम करना सीख गए हम लोग, काफी सारा प्रोविजंस भी हमने डिस्कस किया, इसी तरीके से अपन को करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।